तो फिर से हमारे चैनल में नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। रेनो न्यू होलैंड 3630 जो पावर प्लस अभी लगभग इसे नए साल वाले दिन आया था, जो कि आज 24-25 दिन हो गए ट्रैक्टर को। और ये 265 महिंद्रा, जिसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ एक बार, जो इसको लोडर फिटिंग हुआ था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और जो भाई चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे प्यार देते रहो। तो ये ऑलरेडी जो कंपनी फिटेड है, इसमें जो अंदर देखता हूँ एक बार, ऑलरेडी कंपनी फिटेड लगी हुई है टर्बो इसमें। पचपन हॉर्स पावर में ट्रैक्टर है। पिछले टायर 16-28 के हैं और गुडियर का टायर है, अगले वाले 7-50-16 हैं। तो ट्रैक्टर के एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं, जो कि दलदल है मिट्टी में है। जो कि ट्रैक्टर के मतलब पावर के हिसाब से अच्छा बॉकेट बना हुआ है, 8 GMT का लोडर है। ये 11.5 फुट का डंपर है, तो 7 फिट चौड़ाई है। ये चेक कर लो एक बार आप, इसमें लगी हुई है टर्बो, ये रही सामने। बाकी इसका नंबर वगैरह नहीं दिख रहा, कितने नंबर टर्बो लगी हुई है इसमें। इंटरकूलर भी लगा हुआ है इसमें येरा भाई, ये इधर की साइड है येरा। और इसमें हाइड्रोलिक जैक भी एक अलग से एडवांस दे रही है न्यूलैंड कंपनी। ये रहा सामने भाई, दो ऑब्जर वाल दिए हुए। एक बार भाई साउंड चेक करो ट्रैक्टर, तो इतना धुआं वगैरह जो दिखाएगा ट्रैक्टर में, टर्बो है इसलिए धुआं दिखाएगा ट्रैक्टर। दादिए तो इतना जो धुआं वगैरह दिखाएगा टर्बो का कारण है, जो कि ऑलरेडी टर्बो कंपनी के ट्रैक्टर में है। तो भाई ओवरलोड एकदम बढ़ दिया, जो कि 11x7 का डंपर है, एकदम हैवी डंपर बना हुआ, पूरा ओवरलोड भर दिया। तो कौन से में है, मैं कौन से गियर में, लोके टॉप में, आराम से चलन दे। राहुल तीसरे का लो लगा लो, आराम से चलंदर आऊंगी, बैटरी लगा लो पेट्रोल की। तुम्हें कोई दवन वगैरह ट्रैक्टर की कुछ है ही नहीं, क्योंकि हैवी लोड के ट्रैक्टर तो खुद ही सभी किसान भाइयों को पता है हैवी लोडिंग के ट्रैक्टर बने हुए हैं, लेकिन कोई दवन वगैरह कुछ ऐसी है ही नहीं।
बस के वीडियो बताना आपको कैसी लगी, और कमेंट जरूर करना भाई, लाइक और शेयर करना।